अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी में मैं आपको दोबारा वेलकम करता हूँ। आज हमारे हमारा जो टॉपिक है वो बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यानी हेरिडिटी की बुनियाद की जो चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे। और ये है 8th क्लास की साइंस, चैप्टर नंबर 2 है, और इसमें हम बेसिस ऑफ हेरिडिटी पढ़ेंगे। तो इसमें ये कुछ सवाल है, डू यू नो व्हाट इज़ द डीएनए एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। आपको पता है डीएनए क्या है, वो कहाँ होता है, व्हाट डज डीएनए स्टैंड फॉर एंड व्हाट इट्स शेप एंड फंक्शन कहता है कि आपको पता है कि इसका काम क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके अलावा इसका शेप, उसका फंक्शन, काम क्या होता है। टू अंडरस्टैंड दिस डीएनए लेट अस एक्सप्लोर व्हाट इज इनसाइड द न्यूक्लियस मटेरियल। तो इसकी इसको समझने के लिए, डीएनए को समझने के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि अंदर न्यूक्लियर मटेरियल के अंदर क्या है। चलें, अच्छा क्रोमोसोम, पहले पहले क्रोमोसोम को समझते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एज अ क्रोमेटिन नेटवर्क। जो हमने आपको याद होगा, अगर हमने पहले पहले पढ़ा था माइटोसिस प्रोसेस में, तो शुरू शुरू में ये कहता है पहला प्रोसेस जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे प्रोसेस होता है उसमें क्रोमेटिन नेटवर्क जो होता है वो कंडेंस हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें माइक्रोस्कोप में नज़र आने लग जाता है। पहला पहला जो था वो इसका क्या कहें कि प्रोसेस था, ठीक है। तो यही बात कह रहा है कि प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस एज ए क्रोमेटिन नेटवर्क, वेन सेल डिवाइड, जब सेल डिवाइड होते हैं दिस क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंसेस, ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये कंडेंस हो जाता है, क्या बन जाता है, कंडेंस होकर फॉर्म अ टिपिकल क्रोमोसोम, एक आम जो क्रोमोसोम होता है वो बन जाता है, कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमेटिड्स, जो बने होते हैं दो क्रोमेटिड से, ठीक है। दीज टू क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड एट अ सेंटर टू द सेम सेंट्रोमेयर, कहता है कि ये क्रोमेटिड जो होते हैं वो अटैच होते हैं एक दूसरे के, ये जो दो क्रोमेटिड बने थे ये एक दूसरे के सेंट्रोमेटर से कनेक्टेड होते हैं। क्रोमोसोम्स इन पेयर आल्सो कॉल्ड अ होमोलोगस क्रोमोसोम, और इन क्रोमेटिड को, ये क्रोमोसोम जो दो होते हैं पेयर जो होता है उनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सिमिलर ऑर्गन इज कांस्टेंट, कहता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है ऑर्गेनिज्म में, किसी जानदार में वो सिमिलर होता है, सिमिलर जानदारों में जो है वो क्रोमोसोम की तादाद जो होती है वो कांस्टेंट होती है, जितने उसमें होंगे उतने ही उसमें होंगे। ये था क्रोमोसोम के बारे में। अब जीन्स के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि जीन्स द बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जीन, कहता है कि बुनियादी जो जिस्मानी या जो काम वाला यूनिट है किसका, हेरिडिटी का, उसको हम जीन कहते हैं। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये जो जिम्मेदार है बहुत सारे करेक्टरिस्टिक जो खसूसियात हैं उसके एक्सप्रेशन को, यानी वाजे करता है, या उसकी बुनियाद है, उस सारी जिम्मेदारी इसकी है, वो सारे काम चल ये काम करता है उसके। दी जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोजोम, ये जीन्स जो होती हैं वो क्रोमोजोम पर लोकेट करती हैं, वहाँ पर होती हैं। द जीन्स आर अरेंज्ड ऑन क्रोमोजोम इन अ लीनियर ऑर्डर, ये जो जीन्स हैं ये अरेंज होती हैं क्रोमोजोम में एक लीनियर ऑर्डर में होती हैं। द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन वेरी ऑर्गेनिज्म इज फिक्स्ड, वही बात के जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स होता है। देखें ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्रोमोजोम है, यहाँ पर देखें ये क्रोमोजोम है, और ये क्रोमोजोम की वो एक छोटी सी चीज़ ये डीएनए है, ठीक है जी। अच्छा जी, जीन्स हमने पढ़ लिया, तो अब आगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए मेन चीज़ पर आ जाते हैं। तो है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसको फुल फॉर्म है, जो डीएनए का फुल फॉर्म पूछ रहा था पहले पहले सवाल में, उसको कहता है ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये। अब इसको क्या कहते हैं कि केमिकली अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, किसकी बात कर रहा है, क्रोमोसोम, क्योंकि सारा मसला ही क्रोमोसोम है, देखिए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, ठीक है। अच्छा केमिकली हम कहते हैं कि कीमिया तौर पर क्रोमोसोम जो है वो उसके पास प्रोटीन होते हैं और न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है जी। उसके अलावा मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू स्ट्रैंड लिंक्ड विद ईच अदर बाय ब्रेड लाइक लेडर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर, ये इसकी मिसाल दे रहा है कि एक पट्टे की तरह होते हैं ये, एक दूसरे से इस तरह मिले होते हैं जिस तरह लेडर की तरह, मतलब ये एक दूसरे को जकड़े रखते हैं, और ये जैसे आप घूमे वो देख रहे हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बयान कर रहा है कि इस तरह का होता है। डी एन ए इज़ अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल इन कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, ये डी एन ए जो है वो बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल है जिसको यूनिट होते हैं, कौन से, न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है।
और न्यूक्लियोटाइड के बारे में क्या है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ फॉस्फेट शुगर एंड बेस। न्यूक्लियोटाइड क्या, उसके पास क्या होता है, फॉस्फेट होती है, शुगर होता है और बेस। अब आता है कि देर आर फोर टाइप ऑफ बेसिस, ये जो बेस है इसके भी चार टाइप हैं, एडेनाइन, गनाइन, थैमाइन एंड साइटोसाइन। ये चार कौन से, एडेनाइन, गनाइन, थेमेनाइन, सॉरी थैमाइन एंड साइटोसाइन, ये चार बेसिस हैं। एवरी लिविंग थिंग हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट डीएनए। आखिर में कहता है कि हर जानदार या जिंदा रहने वाली चीज़ का मुख्तलिफ मुनफरद डीएनए होता है, और डीएनए स्टोर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द सीक्वेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, ये जो बात हुई, न्यूक्लियोटाइड्स का यूनिट है, कहता है कि डीएनए स्टोर करता है पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी जीन्स की जो हेरिडिटी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसे सीक्वेंस में रखता है इसकी न्यूक्लियोटाइड की तरह, ठीक है। तो ये था सिंपल सा उसके बारे में तारुफ, ये बेसिक से बुनियाद है उनकी, तो उनके बारे में तारुफ था। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगी वीडियो, अगर समझ में आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।